गोपीगंज पुलिस ने पकड़ी 55 लाख रुपए की अवैध शराब। पंजाब से बिहार जा रहा था ट्रक। NH2 पर कठौता ओवरब्रिज के पश्चिमी छोर के पास हुई धरपकड़, चालक सहित 3 गिरफ्तार। खबर भदोही संवाददाता AK फारूकी द्वारा की गई रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही में कोतवाली गोपीगंज के NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग पर कठौता ओवरब्रिज के पश्चिमी छोर के पास बीती रात गोपीगंज पुलिस ने शराब तस्करों का भंडा फोड़ कर दिया। रात्रि गश्त टीम ने एक ट्रक को पकड़ लिया। इस ट्रक में करीब 55 लाख रुपए की इंपीरियल ब्लू नामक अंग्रेजी शराब लदी हुई थी। टीम ने गाड़ी के ड्राइवर, खलासी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अंग्रेजी शराब सफेद रंग के पाउडर के कई पैकेटों के पीछे छिपाकर एक ट्रक में लादकर बिहार जा रही थी। गुरुवार की देर रात ये ट्रक जैसे ही गोपीगंज कोतवाली में पहुंची, शक होने पर पुलिस ने ट्रक का पीछा कर सभी को ट्रक सहित दबोच लिया। उनके कब्जे से तस्करी की 607 पेंटी यानी 5429.88 लीटर कीमत 55 लाख बरामद कर लिया गया है। ये पंजाब से लेके इसको और बिहार लेके जाया जा रहा था और एक ट्रक में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बरामद हुई है। और उसमें ट्रक में इसको पीछे जो POP पुटी के जो पैकेट्स होते हैं उनको लगा के चारों तरफ से कवर किया गया था, ताकि यदि सघन तलाशी का भी प्रयास यदि पुलिस करे तो उसको छुपाया जा सके। कितना माल है सर? इसमें लगभग 607 पेटी हैं और 5430 लीटर जो है इंपीरियल ब्लू की बोतलें बरामद हुई। गिरफ्तारी भी हुई? इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से एक का 2020 में मुरादाबाद से मर्डर का इसके ऊपर मुकदमा भी। कहाँ भेजते सर इसको ले जाकर, क्या इन लोग प्लानिंग? ये बिहार में इनको खपाने की प्लानिंग थी। गिरफ्तार करने वाली टीम में सदानंद सिंह प्रभारी निरीक्षक गोपी गणस, रमेश प्रसाद सिंह, अश्विनी सिंह, अनिरुद्ध वैश्वार, अमरेश मिश्रा, हरिकेश यादव, प्रमोद यादव, अरविंद यादव, धीरेन्द्र यादव, कंचन सिंह आदि रहे। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।